दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनिशा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। नीट परीक्षा परिणाम में कथित धांधली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके पहले सपा और कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन कर NTA और सरकार के विरुद्ध जमकर विरोध दर्ज करवाया था। परिषद के वाराणसी महानगर के कार्यकर्ताओं ने संपूर्णानंद संकेत विश्वविद्यालय के उत्तरी गेट के समीप NTA के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक NTA का पुतला फूंका। छात्रों ने NTA पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दावा किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार कर सुगम और अत्याधुनिक बनाया गया तो विश्व भर से शिव भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बाबा की आय में भी कई वृद्धि हुई। डबल इंजन सरकार में सुविधाओं के विस्तार होने के बाद विश्वनाथ धाम में दान और दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भी हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 में बाबा की आय में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बीच में कोरोना काल में भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इसके बाद फिर से इसमें बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई। श्री काशीनाथ धाम के कायाकल्प के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निरीक्षण और निर्देशन में मंदिर में कई सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। चांदमारी के खुशहाल नगर कॉलोनी सेक्टर 5 के लेन नंबर 1 शिवपुर निवासी रिटायर्ड फॉलोअर जयप्रकाश श्रीवास्तव के छोटे पुत्र स्पोर्ट टीचर शिवम श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी नस काटते हुए एक किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवम आत्मघाती कदम उठाने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ गया। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक को लेकर रविवार को उसर पूर्वा शिवपुर स्थित एक लॉन में बैठक की। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा यूपी के लिए बनाए गए SOP पर चर्चा की गई और संगठन को घेरा देने की बात हुई। इस बैठक का नेतृत्व आपके काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन कुमार तिवारी ने किया। पवन तिवारी ने बताया कि प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला प्रभारी के नेतृत्व में करना है। बलरामगंज टोल प्लाजा चोलापुर के समीप तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। वहीं बस से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत भी हो गई, जबकि बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, साथ ही बस चालक की तलाश भी तेज कर दी है। तो ये थी आज की बनारस की 5 प्रमुख खबरें। कल मिलते हैं इसी टाइम, हमारे साथ देखते रहिए बदायूं मिरर।